नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिवराज मामा के तुगलकी फरमान ने आदिवासी छात्रों के सपनों को किया चकनाचूर। शिक्षा के मंदिर छात्रावास से किया बेघर, दो दिन से भूखे हैं छात्र। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर भोपाल जिले के छात्रावासों में निवास कर अध्ययन कर रहे छात्रों को जिला कलेक्टर भोपाल द्वारा आनन फानन में छात्रावास खाली करने का आदेश दिया गया है। समाज सेवी सुनील कुमार आदिवासी ने बताया है कि सहायक आयुक्त अविनाश चतुर्वेदी द्वारा मौखिक आदेश के नाम से दिनांक 3 अप्रैल दिन शनिवार से छात्रावास बंद करने की प्रशासन की ओर से एक षड्यंत्रकारी प्रक्रिया चल रही थी, जिनके विरोध में आदिवासी नेता सुनील कुमार आदिवासी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को इस मौखिक आदेश की प्रक्रिया से अवगत कराया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का क्या ये तुगलकी आदेश है, क्या कोरोना इन छात्रावास से फैल रहा है। भाजपा शासनकाल में सबसे पहले गाज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों पर पड़ती है। इन छात्रों की शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए या एक और पूर्व लॉकडाउन की तैयारी है। साथ ही सामाजिक एक्टिविस्ट हंसराज मीणा ने ट्वीट कर छात्रों का समर्थन किया है, तो वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पूरिया ने ट्वीट कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भोपाल में आदिवासी छात्रों को दो दिन पहले खाना देना बंद कर दिया गया और आज बिना अल्टीमेटम के सारे STSC हॉस्टल खाली करवाए जाने का सरकार का अमानवीय कृत्य सामने आया है। इस शर्मनाक कृत्य की हम निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दबाव बनाया गया और छात्रावास को बंद कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अब छात्र जाएं तो जाएं कहां, ना घर जाने के पैसे हैं और ना खाने के पैसे हैं। भोपाल से साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जैसा कि विगत आपको ज्ञात है, हॉस्टलों को मामा के तुगलकी फरमान के कारण हम लोगों को ये हॉस्टल छोड़ना पड़ रहा है, जबकि अन्य हॉस्टल चालू हैं। कुछ हमारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दो दिन से खाना नहीं खाया और लगभग हमने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को दे दी है और हमको मजबूरन यहाँ हॉस्टल को छोड़ के जाना पड़ रहा है। आगामी टाइम पर हमारी एग्ज़ाम भी है कॉलेज की, हमारे कॉम्पिटिशन की, तो इसका जो छोड़ने का कारण है वो मामा का तुगलकी फरमान है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि मामा को हमें नोटिस देना चाहिए था, प्रशासन को हमें नोटिस देना चाहिए था छोड़ने से पहले, लेकिन अचानक उनका ये आदेश हमारे भविष्य के लिए एक खतरा है जिसका जिम्मेदार शिवराज सिंह मामा है और मामा का। कल मेरे पास बहुत ही दुखद सूचना आई, बहुत ही व्यथित करने वाली सूचना आई कि जितने भी आदिवासी छात्रावास हैं भोपाल में, जितने भी SC ST हॉस्टल हैं, उनको ताकत के दम पर खाली करवाया जा रहा है। पहले तो इन छात्रावास में रह रहे बच्चों को खाना मुहैया नहीं करवाया गया, इनकी शिष्यवृत्ति रोक दी गई, फिर भी भूखे प्यासे वो छात्रावास में रह रहे थे, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। वैसे एक साल उनका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और वहां पर एक हॉस्टल में एक कमरे में एक ही छात्र रह रहा था, पूरे कोविड की गाइडलाइन भी फॉलो कर रहे थे, पर सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए उनको खाली करवाया और आज तक का 12 बजे का उनको अल्टीमेटम दिया गया। ये पूरी तरह से जाना चाहिए और ये तानाशाही नहीं चलेगी। शिवराज सिंह चौहान जी, आप थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण समझिए, हम आदिवासी छात्रों को, आदिवासी बच्चों को इस तरह से आप शोषित मत कीजिए, पीड़ित मत कीजिए। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर ये तानाशाही चलती रही तो इस तानाशाही का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। जय हिंद, जय आदिवासी, जय कांग्रेस। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।